इस वक्त की बड़ी जानकारी, कानून व्यवस्था और धर्मांतरण का गूंजेगा मुद्दा, आज फिर सदन में हंगामे के आसार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे तो विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे मंत्री। सड़क निर्माण में गड़बड़ी का उठ सकता है सवाल। वहीं आपको बता दें सीएम भूपेश वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन करेंगे प्रस्तुत। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे तो आज अहम मुद्दे शीतकालीन सत्र में उठाए जाएंगे, जिसका जवाब देती सरकार नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी। अनंत शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं रायपुर से। अनंत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कई चीजें हैं जो आज सत्र में जो सवाल है वो उठने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए विधानसभा सत्र की तो आज तीसरा दिन है सत्र का और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है, क्योंकि जो दो सत्र थे वो काफी हंगामेदार थे और ये जो तीसरा सत्र है वो भी काफी हंगामेदार होने के आसार लग रहे हैं। और बात की जाए पक्ष और विपक्ष दोनों की तो आज जो पक्ष है वो भी अपनी जो जानकारियां है उसे मजबूती से पटल पर रखेंगे, और अगर विपक्ष की बात की जाए तो जितनी भी जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष के सवाल होंगे। अगर आज की बात की जाए तो विधानसभा में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो काफी मजबूती से रखा जाएगा, और क्योंकि नारायणपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर विपक्ष जो है वो काफी आक्रामक नजर आ रही है। बात की जाए तो नारायणपुर में जो भाजपा दल के नेता हैं उन पर भी धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई की गई है। लगातार छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण के जो मामले सामने आ रहे हैं वो काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर जो सदन में है वो जरूर सवाल किए जाएंगे। धर्मांतरण और जो कानूनी व्यवस्था है उस पर भी चर्चा की जाएगी। अगर बात की जाए तो जुआ सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग में जो जुआ सट्टा खेले जाते हैं उसको लेकर जो एक नया कानून छत्तीसगढ़ सरकार बना रही है वो आज सामने वहां पर रखेंगे। अगर आज बात की जाए सरकार के मंत्रियों की तो शिव डहरिया और अमरजीत भगत, और अगर बात की जाए ताम्रध्वज साहू, ये सभी अपने विभागीय जो जानकारी है प्रश्नों के माध्यम और उत्तर किसके देते नजर आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए सीएम भूपेश बघेल की और तमाम जितने अन्य मंत्री हैं तो वो लगातार आरक्षण पे भी बात की जाएगी, क्योंकि आरक्षण का जो मामला है वो भी काफी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए। जी ठीक है अनंत, आप हमारे साथ बने।